आज ये हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम आपको कराएंगे न्यूमेरिकल ऑन रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन के न्यूमेरिकल कराएंगे आपको इसमें हम। देखिए कैसे कैसे न्यूमेरिकल होंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो मोस्टली हमारी तीन चीज़ें चलेंगी, एक चलेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट जिसे एस कहते हैं, एक चलेगी हमारी वेलोसिटी जिसे वी कहते हैं, और एक हमारा चलेगा एक्सीलरेशन जिसे ए कहते हैं। तो तीन ही चीज़ें हमारी चलती हैं इसके अंदर, तीन ही फैक्टर यूज होंगे मोस्टली रेक्टिलिनियर मोशन में। तो देखिए अगर हमें इक्वेशन किसकी दे दे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दे, किसकी इक्वेशन दे दे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दे टाइम के टर्म में, तो उस केस में हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल हम करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल है आपका, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 2t + 5। किसका मोशन दिया, एक पार्टिकल का मोशन दिया है जो मूव कर रहा है आपका पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कौन सा मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन। इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दे दिया हमारा ये एस इजगल टू टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 2t + 5। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी टी की टर्म में, ठीक है, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड टी इज द टाइम इन सेकेंड। एस डिस्प्लेसमेंट है जिसकी यूनिट मीटर है, और टी हमारा टाइम है जिसकी यूनिट सेकेंड है। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर रहे। डिटरमाइन क्या निकालना है, देखिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कितना होगा, यानी 4 सेकेंड के बाद वी की और ए की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंड क्या निकालना है, देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी एंड कोरस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, वेलोसिटी की, ठीक है, और जिस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होगी उस पॉइंट पर आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्लियर है। थर्ड निकालना है टाइम एट विच वेलोसिटी जीरो, वो टाइम निकालना है जिस टाइम पर आपकी वेलोसिटी जीरो है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, वो है एस इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 3t² प्लस 2t + 5, क्लियर है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए फर्स्ट आपको फर्स्ट क्या निकालना है इसके अंदर, फर्स्ट निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी और एक्सीलेशन निकालना है। अब आपको पता है देखिए वी इजगल टू क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वी इजगल टू आपका होगा ds/dt, क्लियर है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वी इजगल टू आ गया ds/dt। तो वी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए टी क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3t², यहाँ माइनस के 3t² का डिफरेंशिएशन आएगा 2t, प्लस 2t का डिफरेंशिएशन आएगा 1, और 5 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका 0, क्लियर है। आपको पता है डिफरेंशिएशन का, मैं आपको देखो फॉर्मूला पता होगा, d/dx इंटू एक्स की पावर n इजिकल टू क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, क्लियर है। इस फॉर्मूले से मैंने डिफरेंशिएशन किया और v की वैल्यू आ गई आपकी, देखिए ये आ जाएगी 3t² माइनस 60 प्लस के 2, ये आ गई आपकी v की वैल्यू, ठीक है। अब आपको a की वैल्यू से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसे इक्वेशन नंबर मैंने 2 कह दिया। अब निकालेंगे देखिए a, आपको पता है a इजगल टू क्या होता है, a इजगल टू होता है dv/dt, क्लियर है, dv/dt या d²s/dt², ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक्सीलरेशन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो ये आ गया आपका dv/dt, यानी एक्सीलरेशन इजगल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी की इक्वेशन है उसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यह हमारी जो ds/dt की इक्वेशन है उसे टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, दोनों की सेम बात है क्योंकि v इक्वल टू किसके है, ds/dt के, क्लियर है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3t² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t, ठीक, माइनस के 6 इंटू टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, क्योंकि d/dx इंटू अगर कॉन्स्टेंट कोई टर्म है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा आप, वैसे आपको पता भी होंगे ये, ठीक है। और अगर हमारा d/dx इंटू एक्स होता है उस कंडीशन में इनका डिफरेंशिएशन होता है 1, क्लियर है।
अब यहाँ से जो ए की वैल्यू आपकी आएगी, देखिए वो आएगी आपकी 6t-6। तो यहाँ से आगे हमारी क्वेश्चन नंबर 3, आपने वी भी निकाल लिया और टी भी निकाल लिया। अब आपको वी और टी कहाँ निकालना है, आपको निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखिए हम अब निकाल लेंगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड, एक्सीलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखिए 4 सेकंड बाद क्या आएगा आपका, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें टी की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो ये आ जाएगा 3 × 4² - 6 × 4 + 2, ठीक। यानी 3 × 16 - 6 × 4 कितना गया 24 और प्लस के 2, ठीक है। तो 16 × 3 हमारा कितना गया 48, 48 - 24 + 2, 48 में 24 जाके बचेगा आपका 24, और 24 में से आपका जब 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है हमारी मीटर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपने देखिए वेलोसिटी निकाल ली कि किस किस तरह से हमने वेलोसिटी निकालते हैं, मैंने आपको बताया। अब एक्सीलेशन की बारी है, देखिए तो एक्सीलेशन कैसे निकलेगा, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 6 × 4 - 6। तो 6 × 4 कितना आ गया 24 - 6 = 18, और यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखिए जो फर्स्ट इसमें पूछा था वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन आफ्टर 4 सेकेंड, वो आपने बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर दिया। ये आ गई हमारी ए, वी और ए की वैल्यू आफ्टर 4 सेकेंड। अब देखिए अब बात करते हैं इसमें सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड हमें इसमें निकालना है वेलोसिटी, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें कोई भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, चाहे वो वेलोसिटी की हो चाहे वो एक्सीलरेशन की हो, तो उस केस में देखिए क्या होगा, अगर वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं तो वेलोसिटी के केस में यहाँ सेकेंड आएगा 4, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए dv/dt क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं यहां निकालता मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, उस केस में dA/dt = 0 आ जाता, तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता मैक्सिमम मिनिमम की, तो वो dS/dt = 0 आ जाता। तो जिसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे उसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अब dV/dt = 0 रखना है। अब आप देखिए इसके अंदर आपकी v की वैल्यू क्या है, आपकी v की वैल्यू ये है, v = क्या है आपका 3t² - 6t + 2, ठीक। और dV/dt आपने नीचे निकाला था अभी, तो dV/dt आपका कितना आया था, dV/dt आपका ये आया था 60 - 6। तो यहां से आपका dV/dt = आया है 60 - 6, इसे किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, क्योंकि dV/dt = क्या रखना है, 0। तो यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको यहां पर 60 = 6, और t की वैल्यू आ जाएगी 6/6 = 1 सेकेंड। यानी t = 1 सेकेंड पर आपकी जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम या मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वैल्यू हमारी मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, v फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करेंगे, देखिए d²v/dt², जो dV/dt है इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे, देखिए जब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 × t की वैल्यू, की t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 0, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है। अगर d²v/dt², यानी अगर सेकंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी तो v की जो अब आपकी वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। और ये वैल्यू अगर आपकी निगेटिव आती तो यहां से हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती, ठीक है। नहीं तो हम लिखेंगे बिकॉज d²v/dt² इज पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, सो मिनिमम वैल्यू
ऑफ वेलोसिटी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की क्या आ जाएगी, देखिए आपकी यहाँ पर वी आपका कितना है, 3t² - 60 + k2। तो वी इज इक्वल टू टी की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 × 1² - 6 × 1 + k2, यानी आ गया 3 - k6 + k2। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ गई आपकी निकल के -k1 m/s। ठीक है, तो ये आ गई आपकी वी की मिनिमम वैल्यू। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे पता चलेगा कि आपकी वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। क्लियर है? अगर सेकंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू, आपकी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वैल्यू आपकी मिनिमम होगी, और ये वैल्यू अगर निगेटिव आती तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम होती। ठीक है, अब चलेंगे देखिए थर्ड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट हमारा निकल गया मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी। अब क्या निकालना है, एंड कोरोस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट, कि इतनी वेलोसिटी पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन क्या है आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, ये है आपका एस इजल टू टी क्यूब माइनस के 3t² + k2t + k5, यही तो है। तो कोरोस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा भाई, आपको पता है जो आपकी वी की वैल्यू आई है वो टी की किस वैल्यू पर आई है, 1 पर। ठीक है नहीं, जब हमने टी की वैल्यू को 1 पुट किया तभी तो आपकी वैल्यू आई वी की। ठीक है नहीं, तो कोरोस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी क्या करेंगे, एच की इक्वेशन में टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो आ जाएगा 1³ - 3 × 1² + k2 × 1 + k5। तो ये आ जाएगा देखिए आपका 1, ये -k3, ये +k2 + k5। तो ये कितना आ जाएगा देखिए आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 5 m। ठीक है, तो ये आ गई आपकी एस की वैल्यू, तो कोरोस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इस तरह से हम देखिए आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है तभी आप इसे कर पाएंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, टाइम एट विच वेलोसिटी इज जीरो, वो टाइम निकालना है जिस पर आपकी वेलोसिटी जीरो है। तो देखिए वेलोसिटी जीरो है का मतलब क्या है, कि आपका जो ये वी है, जो आपकी वी है, वी कितना है 3t² - 60 + k2, ये किसके इक्वल है, वी के। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी को जीरो रख दूंगा तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, टी की। मुझे ये पता चल जाएगा कि किस टाइम पर आपकी वेलोसिटी जीरो है। तो थर्ड केस में देखिए क्या करेंगे, आपका वी इजल टू क्या है 3t² - 60 + k2, इसे किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के। जब इसे जीरो के इक्वल रखेंगे यहाँ पर हम, तो देखिए इसके टी की वैल्यू निकालने के लिए गुणनखंड करने पड़ेंगे फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए देखिए क्या आता है, 3 × 2 कितना आ गया 6, यानी मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और जोड़ के भी 6 आना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिन्हें आप मल्टीप्लाई करके क्या ले आए, मल्टीप्लाई करके आप 6 ले आए और जोड़ के भी 6 ले आए, ऐसी कोई संख्या आपके पास नहीं है। तो हम इसमें देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसमें हम लगाएंगे सूत्र श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य से निकालेंगे। देखिए श्रीधराचार्य क्या आएगा यहाँ पर, वी इजल टू -k b + √b² - k 4ac/2a, ये फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए b की वैल्यू क्या है -k 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा +k 6, क्योंकि बाहर ऑलरेडी माइनस है, और +√b² यानी -k 6² और -k 4 × a की वैल्यू क्या है, जो t² का कोफिशियंट है 3, और c की वैल्यू क्या है जो कॉन्स्टेंट है × 2, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 × 3, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो यहाँ पर v की वैल्यू देखिए आएगी आपकी 6 + √36 - ये कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 और 12 × 24 / 6। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 6 + √36, मुझे 24 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पर 12/6। ठीक है, अब इसमें देखिए दो वैल्यू आएंगे यहाँ पर, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यानी वी की वैल्यू आपकी क्या आएगी 6 + √12/6 और 6 - √12/6। तो यहाँ से दो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होंगी। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सीधी वैल्यू निकाल लेंगे इनकी। तो यहाँ से जो वी की वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी यहाँ पर 1.577 और 0.4226 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गई आपकी, सॉरी ये यहाँ पर टी की वैल्यू आएगी, जो हमने वी रख दिया ये गलत रख दिया यहाँ पर, यहाँ वी की जगह आप टी कर लीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हमने v को तो जीरो रख दिया, जब मैंने यहाँ पर v को जीरो पुट कर दिया तो इक्वेशन बचेगी आपकी 3t² - 60+k2। तो जब हम सूत्र धीरे सिरोधाराचार्य लगाएंगे तो वहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, टी की, क्योंकि इक्वेशन हमारी टी में है। तो यहाँ आप वी की जगह सब जगह यहाँ पर टी रिप्लेस कर लीजिएगा, तो टी की वैल्यू आ गई आपकी 1.577 और 0.4226 सेकेंड। यानी इसने क्या पूछा था, देखिए इसने पूछा था कि टाइम एच विच वेलोसिटी इज जीरो, तो ये आपका वो टाइम है जिस पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इतने टाइम पर भी आपकी वेलोसिटी जीरो होगी और इतने टाइम पर भी, यानी दो टाइम ऐसे हैं जिन पर आपकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये आपके न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। देखिए ये है आपका दूसरा न्यूमेरिकल, इसमें देखिएगा क्या पूछा है इसने, ध्यान से समझिएगा। इसने कहा है देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू t³ - t² - 2t+2। पहली इक्वेशन में हमें किसकी इक्वेशन दी थी, पहले न्यूमेरिकल में हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी थी, लेकिन इस बार जो हमें इक्वेशन दी है वो वेलोसिटी की दी है, ठीक है। और द पूछा क्या है, देखिए इसने एक केस दिया है, द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम स्टेशन ए आफ्टर 2 सेकेंड। यानी जो पार्टिकल है वो 2 सेकेंड के बाद 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये ध्यान रखिएगा आप, जब आपकी वेलोसिटी की क्वेश्चन देके रखेगा तो इस तरह का एक केस हमारे पास होगा, ठीक। और अगर ये हमारी एक्सीलरेशन की क्वेश्चन होती तो इस तरह के हमारे पास 2 केस होते। ये केस क्यों दिए हैं, जब हम इसके न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा। पूछा क्या है देखिए, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकंड के बाद एक्सीलरेशन कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी ए की वैल्यू और एस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और सेकंड क्या बताना है, मैक्सिमम और या मिनिमम एक्सीलरेशन। जैसे मैंने भी मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी निकाली थी, बिल्कुल उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसकी, एक्सीलरेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसने दिया है वी इजल टू t³ - t² - k2t+k2, क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे निकालना है एक्सीलरेशन कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। तो आपको पता है एज गल टू क्या होता है, एज गल टू होता है आपका डीवी ओवर डीटी, ठीक है। तो यहाँ जो वी की इक्वेशन है से क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा देखिए 3t² या जाएगा आपका -k2t या जाएगा -k2 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0, 2 का 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यह आ गया 3t² - k2t - k2। अब इसमें जब वैल्यू निकालनी है एट t = 4, हम a की वैल्यू कहाँ निकाल रहे हैं, t = 4 सेकंड पर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 3 × 4² - k2 × 4 - k2। तो a की वैल्यू देखिए कितनी आ गई आपकी 3 × 16 और ये 2 चौका कितना आ गया 8 - k2, ठीक। तो 16 तिया कितना आ गया 48 - k8 और -k2, ठीक है। तो 48 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 40, 40 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 38। तो ए की वैल्यू आ गई 38 m/s². यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट जो दे के रखेगा वही रखेंगे। इसने देखिए यहाँ दी है कि 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 सेकंड में, यानी इसने डिस्टेंस को मीटर में लिया है और टाइम को सेकंड में लिया है। तो आपकी एक्सीलरेशन कितनी आएगी, एक्सीलरेशन आपका किस में आएगा, m/s² में आएगा, ठीक है। अब हमें देखिए क्या निकालना है, एक्सीलरेशन के बाद उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए ये जो v है, v से हम जो है एक्सीलरेशन तो निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन करके, लेकिन देखिए ये टर्म चलेगी आपकी, मैं आपको बता दूं एक छोटी सी, इस तरह से चलता है आपका यहां पर s v और t, s से मैं v भी निकाल सकता हूं, s से मैं t, s v और a सॉरी, ठीक है, एस से वी भी निकल जाएगा और एस से हमारा ए भी निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ वी से मैं ए भी निकाल सकता हूँ, किससे, डिफरेंशिएशन के थ्रू। लेकिन अगर वी की इक्वेशन दे देगा और वी से मुझे एस निकालना पड़ेगा, तो मुझे वी से एस निकालने के लिए ऊपर चलना पड़ रहा है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। या अगर ए की इक्वेशन दे देगा तो ए की इक्वेशन से अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो भी मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
और अगर एक्सीलरेशन की इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तब भी ऊपर जाना पड़ रहा है, यानी तब भी मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एस वी ए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन, ये तीन का लॉजिक रहेगा आपका। अगर मैं ऊपर से नीचे की आ रहा हूँगा तो वो हमारी डिफरेंशिएशन के थ्रू निकल जाएगी, लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर चलूंगा तो उसे हम इंटीग्रेशन के थ्रू निकालेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए दिया है वी इजल टू दिया है आपका टी क्यूब माइनस के टी स्क्वायर माइनस के 2t प्लस के 2। ठीक, अब वेलोसिटी से मुझे निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर चलना है तो ऊपर चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब v इजगल टू किसके होता है, ds ओवर dt के, ये तो पता है आपको कि v इजगल टू ds ओवर dt होता है, तो मैं v की जगह ds ओवर dt पुट कर दूंगा। तो यहाँ से ds की वैल्यू देखिए आपकी क्या आएगी, टी क्यूब माइनस के टी स्क्वायर माइनस के 2t प्लस के 2 इंटू dt, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, इसके अंदर इतना काम करने के बाद हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका, इधर तो इंटीग्रेशन जब डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी की पावर 4/4। ठीक, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा आपका टी की पावर 3/3, और ये 2 तो कांस्टेंट है आपका, तो t का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और 2 आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में आपका यहाँ t आ जाएगा, और प्लस के एक कांस्टेंट आ जाएगा c। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट हमारा जुड़ जाता है। देखिए मैंने जो फॉर्मूला लगाया है ये लगाया है x की पावर, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, इस फॉर्मूले से मैंने इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपकी जो इक्वेशन बनी ये बनेगी एस इज इक्वल टू टी टू दी पावर 4/4 माइनस टी टू दी पावर 3/3 माइनस के टी स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 2t प्लस के सी। ठीक, अब जब तक मैं इस सी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करूंगा जब तक मैं यहाँ पर एस नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब इस सी की वैल्यू भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सी की वैल्यू के फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था कि एक केस ये दिया है, इसने क्या दिया है देखिए, द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम स्टेशन है आफ्टर 2 सेकंड, यानी जब टी की वैल्यू 2 है तब एस की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या दिया है केस, इसने केस दिया है आपका केस फर्स्ट, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर क्या है एस इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, तो टी और एस की वैल्यू यहाँ पुट करके मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, सी की। तो ध्यान रखिएगा ये केस इसीलिए दे के रखता है जिससे कि मैं कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लूँ। तो देखिए यहाँ पर रखिए एस की वैल्यू मैंने 4 रखी, तो ये क्या आ गया, एस की वैल्यू 4 और टी की वैल्यू टी टू टू दी पावर 4/4 माइनस 2/3/3 माइनस 2/2 प्लस 2 × 2 प्लस सी। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 4, और 2/4 क्या आ जाएगा, 2/4 आएगा आपका 16/4, यह आ जाएगा 8/3 माइनस के 4 + 4 + c। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा आपका, 4 से 4 कटेगा, तो यहाँ इसके बाद 4 से 4 काटने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे सी की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी 8/3। ठीक है, कितनी आ जाएगी 8/3, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 4 से 16 को डिवाइड करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, तो इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी और ये भी, तो क्या बचा माइनस के 8/3, यानी ये बचा 0 = -k/3 प्लस के सी। ठीक, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8/8/3। ठीक, अब इस 8/3 को यहाँ रख दो, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस आपका आ गया टी की पावर 4/4 माइनस टी क्यूब ओवर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस के 2t प्लस के 8/3, यह आ गई आपकी एस की वैल्यू। ठीक है, अब इस एस में आपको देखिए क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड। एक्सीलरेशन तो आपने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 4 सेकंड के बाद। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसमें क्या रख देंगे, इसमें हम टी की जगह 4 रख देंगे, तो आपके एस की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे निकलेगी, यहाँ पर आपका आ जाएगा एस इज इक्वल टू, यहाँ टी की वैल्यू 4 रखो तो क्या आ जाएगा 4/4/4 माइनस 4³/3 माइनस 4² प्लस के 2 × 4 प्लस के 8/3, ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से एस की वैल्यू देखिए क्या आएगी, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी वैल्यू, 4/4 कितना आ जाएगा 64/4 माइनस 4/3 कितना आएगा, ये 64/4 नहीं आएगा आपका,
चार की पावर 4/4 है, तो 4 से 1 4 की पावर कट जाएगी, तो 4 की पावर 3 बचेगी, तो 4 की पावर 3 होता है 64, ठीक। और 4 की पावर 3 आएगा 64/3, और 4 की पावर 2 आएगा आपका 16 प्लस के 8 प्लस के 8/3, ये आ गया आपका, ठीक है। अब एस की वैल्यू देखे कितनी आ गई आपकी, यहाँ से 64 आपका प्लस का है, 64 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 64 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 48, 48 में 8 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 56, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टर्म है आपकी 64/3 और 8/3, ये माइनस की है ये प्लस की, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 56/3, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो आपकी एस की वैल्यू आएगी वो आएगी 112/3, यानी एस इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ गया देखिए 37.3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपने एस की वैल्यू निकाल ली कितने पर, आपकी आपने जो पूछा था, इसने क्या पूछा था, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, उसकी वैल्यू आपकी यहाँ आ गई, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम बड़ी आसानी से वैल्यू निकालते जा रहे हैं। अब सेकंड वैल्यू देखिए क्या पूछी है इसने, सेकंड वैल्यू इसने पूछी है देखिए मैक्सिमम और मिनिमम एक्सीलरेशन। मैंने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात जब भी आएगी उस केस में देखिए हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये करेंगे, सेकंड है देखिए मैक्सिमम और मिनिमम एक्सीलरेशन। हमें अभी ये नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम होगी, मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसके लिए जब एक्सीलरेशन निकालना है तो हमें क्या करना है, डीए ओवर डीटी को 0 के इक्वल रखना है, डीए ओवर डीटी को 0 के इक्वल रखना है। अब देखिए जो आपकी इक्वेशन है, आपकी एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन तो आपके पास है, ठीक है नहीं, तो एक इक्वेशन को ले लो। एक इक्वेशन क्या है हमारी, एक इक्वेशन है हमारी 3t² माइनस के 2t - के 2, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपका यहाँ पर a इज इक्वल टू 3t² माइनस के 2t बोला माइनस के 2, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 माइनस के 2, इसका 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट है। इजिकल टू क्या रखेंगे, इजिकल टू रखेंगे d ओवर dt को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपका 60 इजिकल टू आ गया आपका 2, और t की वैल्यू आ गई आपकी 2/6 = 1/3 सेकेंड। तो t की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब t की आपको ये पता चल गया कि t = 1/3 पर आपकी एक्सीलरेशन की वैल्यू या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। अब वो कैसे पता चलेगा कि आपकी मिनिमम है या मैक्सिमम, तो नाउ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, d² a/dt² सेकंड डेरिवेटिव एक्सीलरेशन का, ठीक है। तो इसका देखिए सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर d/dt ये है आपका तो 60 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और t का 2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, तो ये क्या आ गई पॉजिटिव। तो अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो क्या होगा, सो एक्सीलरेशन इज मिनिमम, तो आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा आपका मिनिमम, क्योंकि मैंने बताया था अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है सेकंड डेरिवेटिव की उस केस में आपकी वैल्यू मिनिमम होगी, और ये वैल्यू अगर निगेटिव आती तो ये वैल्यू आपकी फिर मैक्सिमम होती। तो अब मैं मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, किसकी वैल्यू निकालने है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। तो मिनिमम वैल्यू देखिए क्या आएगी आपके यहाँ पर, ये आएगी आपके देखिए एज इक्वल टू कितना है, एज इक्वल टू ये है आपका एज इक्वल टू 3t² - के 2t - के 2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, टी की जगह क्या पुट करेंगे, 1/3, क्योंकि आपको पता है टी इक्वल टू 1/3 पर आपका एक्सीलरेशन मिनिमम है, तो 3 × 1/3² - 2 × 1/3 - के 2, ठीक है। तो ए की वैल्यू देखिए कितनी आ गई आपकी 3 × 1/9 - के 2/3 - के 2, ठीक है। यहाँ 3 से 9 को कट करेंगे तो आ जाएगा 1/3 - के 2/3 - के 2, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3, जब 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 - के 2 और - के 6, ठीक है। तो यहाँ से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा देखिए 2 और 6 हो गया 8 माइनस का, माइनस के 8 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -7/3। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपकी जो आएगी वो आएगी -2.333,
और यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट का खास ध्यान रखेंगे, यूनिट लिखनी जरूर है और सही लिखनी है, गलत यूनिट आप न लिखें। तो इस तरह से हमने आपको दो न्यूमेरिकल आज कराए हैं इसके, अब आगे भी इसके अभी हम और न्यूमेरिकल कराएंगे अगले लेक्चर में आपको, जिससे कि आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाए। तब तक आप ये दो न्यूमेरिकल अच्छे से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने अब तक नहीं किया, ठीक है। और भी आपको अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।